हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई बेडशीट के साथ जो मैंने क्रोशेटिंग से बनाई हुई है। तो ये प्रोजेक्ट मेरा अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। ये बहुत ही प्यारी और बहुत जल्दी बनने वाला बेड कवर है। आप इससे बेबी ब्लैंकेट बना सकती हैं, दीवान कवर बना सकती हैं, और जैसा मैंने पूरे डबल बेड का बेड कवर बनाया हुआ है वैसा भी आप बना सकते हैं। तो इसके साथ मैंने कुशन कवर भी बनाए हुए हैं जो मैं आपको सब कुछ अभी दिखाऊंगी। पहले तो मैं आपको अपने बेड कवर की लेंथ और ब्रेड्थ दिखा देती हूँ। ये देखिए, बेड से कितना बाहर है ये इस तरफ से, और ठीक ऐसे ही ये साइड से भी है, दोनों साइड से, और अंदर की साइड में भी ये काफ़ी ज़्यादा अंदर गया हुआ है। तो इसके लिए मैंने जो टिक्की का साइज़ है मेरा वो थोड़ा बड़ा है जो कि मैंने बनाया हुआ है, और ये जल्दी भी बन जाता है, बहुत जल्दी। तो इसके लिए मैंने सारी न्यू वूल जो है वो यूज़ की हुई है। मैंने इसमें कलर जो हैं वो रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन कलर और ब्लू कलर यूज़ किए हुए हैं। तो जिस हिसाब से तीन लाइनें रेड की, तीन ऑरेंज की, तीन येलो की, तीन ग्रीन की, और तीन जो हैं लास्ट वाली वो मैंने ब्लू की हुई हैं। ये रॉयल ब्लू कलर है, पैरेट ग्रीन कलर है, खट्टा पीला कलर है, ब्राइट ऑरेंज कलर है और रेड कलर है। तो मैंने थोड़े वाइब्रेंट शेड यूज़ किए हुए हैं इसमें। तो आपको जो पसंद हो वो आप उसी हिसाब से जो है ऊन खरीद लें। मेरी टोटल ऊन इसमें जो है वो 5 kg के करीब लगी हुई है, तो आप थोड़ा बढ़ के ही ऊन लें, ताकि बढ़ाकर ही ऊन लें, ताकि अगर बच जाए तो आपके कहीं और काम आ जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारा जो कलर होता है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं इसकी मेजरमेंट। तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट की हुई है मैंने और यहाँ तक, तो मेरी आई 14 इंच बनी हुई है मेरी ये टिक्की, ऐसे को ऊपर की तरफ को, और बराबर ही बनेगी फ्रेंड्स ये हर तरह से। और यहाँ को भी 14 इंच है, लेकिन ये क्रोशेटिंग होती है, जैसे अगर हम ऐसे खींचेंगे इसको तो ये और फैल जाएगी, लेकिन ये 14x14 की है। 14 इंच ऊपर को है, 14 इंच ही साइड को है। 14 इंच की मेरी एक टिक्की है, और मेरी एक लाइन में जो है 1 2 3 4 5 6 7 टिक्कियाँ मैंने ऊपर की तरफ को, और 7 ही टिक्कियाँ मैंने नीचे की तरफ को लगाई हुई है, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और रही अब कुशन कवर की बात, तो कुशन कवर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका कुशन कवर। कुशन कवर में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने कुशन कवर बनाया, तो आप पिल्लो कवर भी बना सकते हैं। ये बैक साइड से है, तो मैंने जब ये वाइट वाला कपड़ा बनाया कुशन का, तो मैंने जोड़ने से पहले जो है इस टिक्की को देखिए यहाँ से चारों तरफ से मशीन की सिलाई से जोड़ दिया हुआ है इसके साथ। ये देखें आप, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, और जब फिर बैक में ये कपड़ा जो था ये इसके अंदर मैंने अपना कवर डाल दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है कुशन कवर बना सकते हैं, डिज़ाइन सेम ही है। तो चलिए अब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 4 ply बेबी वूल यूज़ किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे जो है वो 9 number क्रोशिया यूज़ किया हुआ है। आप 10 भी कर सकते हैं, जिनका हाथ मतलब बुनाई में थोड़ा लूज़ हो वो 10 number करें, और जिनका थोड़ा टाइट हो तो वो 9 number भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बिल्कुल हम सिंपल चेन लेंगे ऐसे को, और 1 2 3 और ये 4 chain मैंने ली। अब ये जो लास्ट वाली चेन है ना, बिना लूप लिए हुए इसमें से हम इसको बाहर निकाल देंगे स्लिप स्टिच के थ्रू ऐसे को। ये देखिए, ऐसे सर्कल बन गया। अब इस सर्कल के अंदर हमने 16 times डबल क्रोशेटिंग करनी है। तो पहले मैंने 3 chain ली, फिर प्लेस लीजिए, और फिर इस छेद के अंदर डालते हुए ये 2 हो गए हमारे, एक ये वाला था, एक ये वाला था, और फिर से इसी में ही ये 3, ये 4,
बिगनर्स के लिए खासकर ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, वो इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि बिगनर्स जब बुनाई करते हैं, क्रोशेटिंग करते हैं, तो वो ग्रेनी स्टिच का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और उस स्टिच में ही मैंने ये चादर बनाई हुई है। तो इसी तरीके से आप इस सारे को भर लीजिए, इस पूरे गोले को 16 बार। ये देखिए 16 टाइम मैंने इसको पूरे को डबल क्रोशेटिंग से भर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 ये जो थर्ड नंबर चेन है यहाँ पर अपना क्रोशिया डालते हुए स्लिप स्टिच के थ्रू निकाल देंगे। तो ये हमारे पास रिंग कुछ इस तरीके का बन गया। अगेन टेक 3 चेन और अब हम देखो यहाँ डाल लेंगे जहाँ से ये स्टार्ट किया हुआ है, इसके अंदर, इस होल के अंदर। यहाँ हम इसको 4 टाइम डालेंगे, 2, ये 3, 4, 4 टाइम डाला। फिर एक चेन लीजिए, फिर से 4 टाइम डालेंगे, 1, ये 2, 3 एंड 4, ये इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसको हम 4 टाइम नहीं, सॉरी, इसको हम 3 टाइम डालेंगे। ये 3 टाइम डाला ना, 1 2 3, और एक चेन लेंगे, फिर से 3 बार डालेंगे, 1 2, ये 3। ये देखिए 3 बार डाला, फिर एक चेन ली, फिर 3 बार डाला मैंने, है ना, इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है आगे, अब एक चेन लेंगे, अब यहाँ हम छोड़ेंगे 4 लूप्स, 1 2 3 4, उसके बाद आगे जो है वहाँ क्रोशिया डालेंगे और ऐसे बुनेंगे। ये देखिए अब फिर से यहाँ पे 3 बार, 2 हो गया, ये 3 और ये 3 हो गया। फिर एक चेन लीजिए, फिर से 3 बार डालेंगे, 1, इसी लूप में है ना, 2, ये 3 डाल दिया। ये देखिए इस तरीके से हो गया ये। अब आगे आया, एक चेन लेंगे, फिर 1 2 3 4 छोड़ दिए और अगले लूप में डाला यहाँ पे, 1, ये 2, ये 3, टेक 1 चेन, अगेन पुट इट इन दिस होल इन 3 टाइम, 1 2 एंड 3। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बायलिंगुअल मेथड यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ ये बना लिया, अगेन टेक 1 चेन, 1 2 3 4। अब ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर 4 बच गए। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं यहाँ बायलिंगुअल मेथड यूज़ करूँगी, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दैट्स वाई हेयर आई एम ऑल्सो यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं दोनों ही लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ करूँगी फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो इंग्लिश में ही बोलूँगी, या हिंदी में बोलूँगी तो हिंदी में ही बोलूँगी, लेकिन जो मैं इंग्लिश में बोलूँगी वो मैं हिंदी में भी ज़रूर रिपीट करूँगी। देन टेक 1 चेन, एक चेन लीजिए, नाउ ज्वाइन इट हेयर, और यहाँ पर आप इसको जोड़ लीजिए इन दिस वे। नाउ वी हैव कम्प्लीट आर सेकेंड सर्कल, फर्स्ट सर्कल इज़ दिस एंड सेकेंड सर्कल इज़ दिस थिंग। सो यहाँ पर हमने अपने दोनों जो हैं सर्कल वो कम्प्लीट कर लिए हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम थोड़ा लूज़ हाथ से इस चेन के अंदर डालेंगे और ऐसे इसको स्किप करेंगे यहाँ पे, पुट क्रोशिया इन द अपर होल एंड टेक आउट इट फ्रॉम द प्रीवियस होल। सो इन दिस वे वी स्किप आर चेन्स एंड गो हेयर, और यहाँ पे हम आ जाएंगे इस तरीके से। नाउ अगेन टेक 3 चेन, 3 चेन ली मैंने और फिर जो है वो मैंने इसके अंदर डाला, 2 और 1 मोर टाइम आई पुट इट हेयर एंड 3। नाउ टेक 1 चेन एंड अगेन पुट इन दिस होल, हम फिर से इसी होल में डालेंगे इसको और इसको हम
बना देंगे। ये देखिए सेम इन दिस मैनर वी कैन फुल आर होल सर्कल, मतलब सेम इसी तरीके से अब हम अपना पूरा सर्कल जो है कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखिए कैसे करना है, अब चेन नहीं लेनी है, डोंट टेक चेन एंड गो टू द नेक्स्ट होल, और नेक्स्ट होल में जाना है और यहाँ पर हमने 3 टाइम डबल क्रोशेटिंग करनी है। चेन नहीं लेनी फ्रेंड्स अब आपने, है ना, ऐसे को ये अब यहाँ फिर आ जाएंगे। देखिए मैं चेन नहीं ले रही हूँ, गो टू द स्किप चेन और यहाँ पर जो है हम फिर से 3 टाइम बार डालेंगे और एक चेन लेंगे और फिर से 3 मोर टाइम डालेंगे इसको इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से आप इस पूरे सर्कल को यहाँ तक कंप्लीट कर लें। हेयर आई यूज्ड सेम थ्रेड इन 3 लाइंस, मतलब मैंने यहाँ पर 3 3 लाइनों का चक्कर बनाया हुआ है सेम वूल से, तो इस तरीके से ही आप भी बनाएं। अब यहाँ पर डाल दीजिए, देखिए 3 ये डाल दिया। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर 3 का एक पंखा बनेगा, मतलब एक बैच बनेगा, ऐसे टेक 1 चेन अगेन पुट इट हेयर इन 3 मोर टाइम। ये देखिए इन दिस वे वी विल कंप्लीट आर फुल सर्कल। ये देखिए मैं लास्ट तक पहुँच गई और अब हम जो हमने 3 चेन्स लिए थे यहाँ पर इसको डालते हुए स्लिप स्टिच के थ्रू निकाल देंगे और यहाँ पर इसको आगे वाले इसमें डालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे और टेक 2 चेन और अपने वूल को तोड़ देंगे या काट लेंगे आप थ्रेड से, ये ऐसे को। ये देखिए ये हमारा जो है वो बीच वाला पोर्शन बन गया हुआ है। अब हम नेक्स्ट वूल यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप वेस्ट वूल से इसको बनाएंगे, बनाना चाह रहे हैं ऊन को, वेस्ट मींस अगर आपके पास लेफ्ट ओवर यार्न रह गया है तो आप उससे भी बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है 3 3 सर्कल आपने करने हैं, आप 1 1 सर्कल में भी ग्रेनी स्टिच में इसको बना सकते हैं। तो मैंने न्यू वूल यहाँ यूज़ की है, दैट्स व्हाई हेयर आई एम यूजिंग 3 सर्कल ऑफ एवरी वूल। नाउ हेयर आई विल ज्वाइन माई नेक्स्ट वूल, यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट वूल अपनी ज्वाइन करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि हम वूल किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये ऐसे एक नॉट ली और मैंने देखिए कहाँ डाला है क्रोशिया, ये जो कहीं भी किसी भी होल में, जैसे मेरा यहाँ ख़त्म हुआ ना, तो इस होल के अंदर आप ऊन डालें क्रोशिया डालेंगे और इस स्टिच को, ये देखिए इस वूल को पीछे ही पकड़ के रखेंगे जो बची हुई है, ये ऐसे, और यहाँ एक चेन लेंगे। अब इन दोनों वूल को भी साथ लेके चलेंगे ताकि बैक साइड की फिनिशिंग भी ठीक आए। अगेन टेक 3 चेन, 3 चेन लीजिए और फिर से इसी प्रोसीजर में आप बुनेंगे 2 और ये 3, 3 बना लिया, एक चेन लेंगे फिर से इसी में ही 3 बार डालेंगे डबल क्रोशेटिंग, 2 और ये 3। अब देखो हमारे पास अपने आप होल होते जा रहे हैं, डोंट टेक चेन एंड गो टू द नेक्स्ट होल एंड पुट इट हेयर एंड टेक इट डबल क्रोशिया। और ये देखिए हमने फिर से अगली चेन में गए और हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया 3 बार लेना है, फिर अगले वाले में लेना है। देखिए ये अपने आप हमारा प्रोजेक्ट ऐसे बढ़ जाएगा, मतलब हमारे पास अगर छोटे छोटे टुकड़े भी हों ऊन के तो भी हम ऐसी चादर बुन सकते हैं। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी अदर जो मैंने चादरें बुनी हुई हैं क्रोशिया की, उसके लिंक भी डाल दिए हैं, तो जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो तो उनको आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसके बगैर आप मेरी नई नई जो क्रिएशंस हैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं पा सकेंगे। और हो सके तो बेल आइकन जो रेड कलर का साइड में नीचे बना होता है वहाँ पे उसको ज़रूर दबाएं, बेल जैसी बनी होती है हमारे फ़ोन पे उसको भी ज़रूर दबाएं और आप नए नए डिज़ाइन और वो जो है नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सकती है। तो देखिए इसी तरीके से हम इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 चेन ली, फिर से 1 चेन और फिर से मैं इसमें डालूँगी,
मैं इसीलिए आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि कई बार बिगनर्स का मन होता है जिन्होंने नया नया क्रोशिया सीखा होता है कि हमें आता है लेकिन हमें डिज़ाइन बनाना नहीं आता, तो बिल्कुल सिंपल और ईजी इसी तरीके से आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लें। अब हम फ्रेंड्स देखो मैं लास्ट में आ गई, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। इसी तरीके से मैं जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि मैंने तीन तीन लाइंस जो हैं सेम सर्कल की बनाई हुई है, तो आप इस वूल की अब मैं तीन लाइंस जो हैं वो कंप्लीट करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट वूल लगाऊँगी, तो इतना आप कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसको यहाँ जोड़ा ना, अब आगे कैसे आना है देखो, डायरेक्ट नहीं आना है यहाँ पर, तो ये जो ऊपर धागा है ना इसमें से चेन स्किप करनी है ऐसे आपने, ये ऐसे को, और यहाँ लूज़ रखना है थोड़ा सा, और ये अब ये पहुँच गए आप यहाँ पे, तीन चेन लीजिए और जो प्रोसीजर यहाँ पे था वैसे ही आप दो सर्कल कंप्लीट कर लें। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज़ मेरे मन में आई कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए जब हमने ये बना दिया ना यहाँ पे, तो ये घर अपने आप बढ़ने लगते हैं, मतलब हमारे पास होल अपने आप जनरेट होते जाता है। जैसे ये बनाया ना मैंने, तो ये मेरे पास नया होल जनरेट हो गया है, यहाँ पर ये होल, तो जैसे यहाँ पर 1 2 आए थे तो यहाँ पर आए 1 2 3, अब यहाँ आएंगे 1 2 3 4, तो अपने आप ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये है ना, तो देखिए ये बना हुआ है, तो मैं ऑटोमेटिकली इसके साथ ये जो होल है यहाँ पर डालूँगी और यहाँ पर अगली बार में यहाँ होल बन जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें बिगनर्स, और जो ट्रेंड है उनको तो पता होता ही है कि किस तरीके से क्या करना है। ये देखिए इसी तरीके से इस लाइन को कंप्लीट करें। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा तीन लाइनें ये इस कलर की कंप्लीट हो गई। मैं फिर यहाँ रिपीट करना चाहूँगी कि आप अगर दो करना चाहें तो दो, अगर आप मतलब सिंगल करना चाहें तो सिंगल, अगर तीन करना चाहें जैसे मैंने बड़ी बड़ी बनाई हुई हैं तो तीन तीन लाइनें आप कंप्लीट कर लें। लास्ट में मैं यहाँ पे इस वाले में मैं लगाऊंगी अब वाइट ऊन। फिर से हम जैसे सपोज मैंने यहाँ बंद किया तो इसको मैं यहीं से ही क्रोशिया डालूंगी और इसकी दो लाइनें कंप्लीट कर लें आप वाइट वाले की, जिस तरीके से मैंने नीचे बताया हुआ है। ये मेरी यहाँ थोड़ी फैदर वाली ऊन है तो मैं इसको यहाँ यूज़ कर रही हूँ, एक चेन लेके फिर से तीन बार डालिए और दो लाइंस इसी तरीके की कंप्लीट कर लें आप, दो और ये तीन। अब देखो ये बन गया यहाँ होल हमारे, तो ये 1 2 3 4 यहाँ और यहाँ फिर डल जाएगा हमारे, है ना। तो इसी तरीके से आप वाइट वाली ऊन के मतलब जो भी आपने कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है अगली लाइन में टू लाइंस ऐसे कंप्लीट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपनी, मैंने आपको कहा था कि टू लाइंस बना लें। फ्रेंड्स मेरी वीडियो एंड तक देखें अगर आपको प्रॉपर ये डिज़ाइन सीखना है तो। तो देखिए मैंने यहाँ टू लाइंस बनाई हैं, अब मैं बताती हूँ क्यों मैंने टू लाइंस बनाई हैं। तो देखिए ये मेरी टिक्की है ना एक पूरी, ये यहाँ ब्लू लाइन से स्टार्ट होती हुई और ये इतनी, तो पहले रेड कलर यूज़ हुआ है, थ्री लाइंस रेड कलर की हैं जैसे मैंने यहाँ ब्लू कलर की, फिर यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर है तो मैंने यहाँ लाइट ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है, अब येलो की जगह मैंने यहाँ वाइट ऊन यूज़ की हुई है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जैसे मैं इसको बना रही हूँ ऐसे ही 1 2 3 4 5 पांच लाइंस बना लें इसकी, तीन तीन के उसमें पांच कलर के धागे हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि मैंने मेरी ऊन लगी है 5 kg, तो आप ऐसा करें कि 1/2 kg रेड कलर, क्योंकि ये बहुत कम लगी हुई है, तो या 1 pound काफ़ी होगी शायद, ये बच जाएगी, तो 1/2 kg ये वाली, 1 kg येलो, 1 kg ग्रीन और 1 kg जो है ब्लू रखें। ब्लू ज़्यादा रखें आप ऊन, क्योंकि इसका वर्क ज़्यादा है, जो जिसकी आपको बाउंड्री देनी है वो वूल आप ज़्यादा खरीदें। ऐसा नहीं है कि किलो किलो ही खरीद लेनी है पांचों ऊन, क्योंकि ये रेड कलर का काम थोड़ा सा हुआ है, बाकी थोड़ा सा फिर बाउंड्री में होगा, ये देखिए ये बीडिंग लगाने में हुआ है, तो इस हिसाब से इसको आप 1 pound में हो जाएगा इतना ये। फिर उसके बाद ऑरेंज है तो ऑरेंज आप 1/2 kg खरीद लें, थोड़ा बढ़ के ही खरीदें ताकि आपकी अगर बच जाए तो वो वेस्ट नहीं होगी। येलो आप 1 kg ही खरीद लें फ्रेंड्स, ग्रीन भी 1 kg खरीद लें और ब्लू हो सके तो 1 kg से थोड़ा ज़्यादा, तो टोटल जो है इसका वेट जो है वो 5 kg तक कंप्लीट हो जाएगा।
अब मैं यहाँ तो आपको सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन दे रही हूँ कि किस तरीके से मैंने ये बनाई हुई है। तो जैसे मैंने क्या करना है, आपने आप इतनी बना लें। तो अब जब ये ब्लू वाली लाइन है, मैं अभी स्टिक्की को और ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता लग गया है कि किस तरीके से हमने बुनाई करनी है। तो जब आप ब्लू वाले पे पहुंच गए, जैसे मैं यहाँ वाइट पे हूँ, तो मेरी ये चीज़ चौड़ी आई हुई है क्योंकि तीन देखो इस टिक्की की हैं, ये जो इधर टिक्की है, जैसे एक दो तीन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक दो तीन, तीन इस साइड की, तीन इस साइड की, तो ये पट्टा थोड़ा चौड़ा बन रहा है मेरा। तो ये देखें आप इसको, तो ये थोड़ी चौड़ी बनी हुई है। अगर आप इतनी चौड़ी चाहते हैं तो आप थ्री लाइन्स ही बुन लें ब्लू की। अगर आप चाह रही हैं कि मुझे थोड़ा छोटा करना है, ये जैसे मैंने यहाँ टू लाइंस बुनी है, तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट में जो अभी बना रही हूँ इसको, तो ये थाल पोस्ट की तरह या मेरे किसी के ऊपर कवर आ जाएगा काम, तो मैं इसमें टू ही लाइंस बनाऊँगी क्योंकि टू मेरी जो है, जैसे मैंने और टिक्कियाँ बनाई हुई हैं तो यहाँ टू और जुड़ जाएंगी। तो ये देखिए मेरे को इतनी चौड़ी चाहिए ये, इसलिए मैंने यहाँ पर टू करी। तो जैसे ये यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इस धागे को काट लेंगे यहाँ से ऐसे, और ये मेरी वूल हो गई ऐसे को। तो जैसे मैंने फाइव कलर यूज़ किए हैं तो ये 14x14 की हुई है। अगर आप चाह रही हैं कि मैंने अकेले अकेले कलर में करना है तो ये आप पे डिपेंड करता है, बस आपकी टिक्की की लेंथ ब्रेड्थ जो है 14 इंच हो जाए, जिसके हिसाब से 7 टिक्कियाँ ऊपर की तरफ को, ये देखिए मेरी ये 7 टिक्कियाँ लगी हैं ऊपर तक, और ब्रेड्थ में भी मतलब ऐसे को भी 7 टिक्कियाँ जुड़ी हुई हैं मेरी, जिस हिसाब से मेरी बेडशीट पूरी हो गई है। तो अब जैसे देखो मैंने ये टिक्कियाँ यहाँ बना रखी हैं, मतलब ये देखिए ये इनकी सीधी साइड है। अब मैं आपको इसको जोड़ना सिखाऊंगी। इसमें जोड़ने का कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये तो बनी मेरी छोटी टिक्की, पर आप समझ रहे हैं जो मैंने बोला कि आप बड़ी बना ले फिर इस हिसाब से जोड़ लें। तो आपने क्या करना है, किसी खुली स्पेस पे आपने ऐसे लंबी लंबी करके आगे को रखनी है। ये किसी भी तरह से रख लें आप, सिर्फ सीधा और उल्टे का पता होना चाहिए। बैक साइड में हमारे वूल होगी तो वो हमें पता लग जाएगा। तो आपने ऐसे को रखनी है ये सीधी सीधी करके, फिर क्या करना है देखो, ऐसे को पकड़नी है ये, और इनको एक साइड से सिल लेना है। जैसे मैं उल्टे साइड से सिल रही हूँ इनको, ये जो हमने यहाँ लूप छोड़ा होता है, यहाँ डाला मैंने क्रोशिया और यहाँ डाला। अब मैं वाइट वूल से ही इसको जोड़ूंगी। तो पहले आप जब भी कुछ भी नया जोड़ें तो पहले एक चेन ले लें पहले ही, फिर यहाँ पर चेन लें। अब हम देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको, बहुत सिंपल है। एक लूप यहाँ से उठाएंगे, एक लूप सामने से उठाएंगे, थोड़ा लूज़ रखेंगे फ्रेंड्स, टाइट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इकट्ठा इकट्ठा हो जाएगा। देखिए मैं कितने बड़े बड़े लूप छोड़ रही हूँ, ये अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं बाद में, थोड़े बड़े मतलब जब आप ऐसे निकाल लें ना, स्लिप स्टिचिंग कर रही हूँ मैं। देखिए ये ऐसे को, ये देखें आप, मैं इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। एक मैंने ये उठाया, एक मैंने ये उठाया, इनमें से निकाला, और ये वाला थोड़ा लंबा खींचना है आपने। इसी तरीके से आप एक एक करके, एक इधर का ऐसे करके आप इसको सारे को जोड़ लें। ये डबल डबल साइड से उठा रही हूँ, देखिए एक, ये सामने वाला दो, ऐसे थोड़ा लूज़ लूज़ करके, टाइट बिल्कुल मत करना, अदरवाइज़ आपकी टिक्कियाँ बहुत टाइट टाइट आएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं, देखो कहीं से पता नहीं चल रहा है कि मैंने जोड़ी हुई हैं, एक स्मूथ आया हुआ है। अगर आप टाइट करते हैं, अगर आप इसको टाइट करेंगे तो ये यूं यूं इकट्ठा होगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसी तरीके से आप देखो यहाँ यहाँ तक इसको जोड़ लें, ये ऐसे पकड़ के रखें, क्योंकि क्रोशेटिंग में क्या होता है कि थोड़ा लूज़ होता है ये, तो फिर हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि कहीं से बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको पकड़ के रखा है, और इस तरीके से मतलब जब नज़दीक जैसे पहुँचें, क्योंकि पहले तो दिक्कत होगी ऐसे, क्योंकि टिक्की बड़ी होगी ये, तो फिर जोड़ने में मुश्किल हो जाएगी। बस आपने इसी तरीके से इसको यहाँ तक जोड़ लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ एंड तक पहुँच गई इस लाइन के। तो जो लास्ट वाला होगा, जो हमने चेन छोड़ी है ना, वहाँ से आप ऐसे स्किप करेंगे। अब जैसे देखो ऐसे रखी हुई थी ना ये वाली टिक्कियाँ भी, ये देखो यहाँ पर मैं दिखाऊँ,
इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लें और इसको भी जो पॉइंट यहाँ पे जो हमने चेन ली होती है चार की जगह, जैसे यहाँ पर पहुँचे चार की जगह, तो इसको यूँ डाल लें, देखो ये यूँ है ना, ये देखें आप, ये इस तरीके से मैंने इसको, इसके साथ ये वाली चेन थोड़ी टाइट लेंगे, अदरवाइज़ इसको लूज़ लिया तो यहाँ हमारे गैप आ जाएगा, तो इसको टाइट लेना है और आगे को इसी तरीके से पूरी बेडशीट आपने सेवन टिकियाँ जो हैं वो जोड़ लेनी है एक लाइन की तरफ को, फिर उसके आगे आगे को जोड़ते जाएं आप, बस जब भी आप फ्री हों तो आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ तक आ जाएं आप, ये देखिए मैंने यहाँ तक जोड़ ली है। जब भी आप वूल तोड़ें तो टू चेन लेके फिर थोड़ी लंबी तोड़ें। सपोज़ आपने वन साइड ऐसी जो हैं वो सेवन टिकियाँ जोड़ ली आगे को, फिर ऐसे ही जोड़ते जाएं अगली अगली अगली, फिर ये ऐसे खोलनी है आपने, ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे आई हुई है। जो मैं चाह रही थी कि मुझे ये वाली लाइन अपनी बहुत ब्रॉड नहीं करनी है, तो मैंने यहाँ पर दो यहाँ को आ गई, दो यहाँ को, लेकिन इनमें वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री थ्री आई हुई हैं, ये वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा चौड़ा ये बॉर्डर आया हुआ है। तो ये देखें आप, ऐसे हो गया। जब आपकी सारी ऐसे को जुड़ जाएंगी आगे को ये, फिर उसके बाद आपने ये वाला पोर्शन जोड़ना है। तो देखिए कितना इजी होगा, इसको ऐसे रखें, जिस तरीके से आपने यहाँ पर से ये किया उसी तरीके से आप यहाँ से जोड़ना शुरू कर दें। अब ये यहाँ से बस ये वाला पॉइंट यहाँ पकड़ना है आपने, और इस तरफ वाला भी यहाँ पर बैक साइड से ही हमने जोड़नी है। जोड़ती वक्त हमने ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से ही हमारी बेड कवर की ग्रेस आती है, अगर हम टाइट जोड़ेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा का पूरा इसको जोड़ लें ऐसे को आगे को यहाँ तक। एक चेन आपने यहाँ से उठानी है, एक यहाँ से उठानी है, ये वाला लूप आपने थोड़ा लूज लेना है और स्लिप स्टिच कर देना है। इसी तरीके से इसको यहाँ तक जोड़ लें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं लास्ट तक पहुँच गई, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा टाइट करें, जहाँ हमने बीच में लिया था ना ये वाला लूप, वहीं तक किया हुआ है मैंने। इसके बाद टू चेन लेके इसको बंद कर लें ये ऐसे को, ये देखिए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा बेड कवर जुड़ जाएगा, ये देखिए, कहीं से कुछ भी नहीं पता चलता है। जैसे हम बिछाते हैं ना, तो ये अपने आप नहीं दिखते हैं फिर ये वाली चीज़ें, मतलब जब हम इसको पूरा सेट कर लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा बन जाता है। अब इसकी हम बाउंड्री लगाएंगे, लेकिन मैं यहाँ एक आपसे सॉरी फील करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली मैंने ये टिकियाँ गलत गिन ली, ये टिकियाँ जो हैं ये सिक्स हैं, सेवन नहीं हैं। मैंने पीछे कहा कि मैंने सेवन टिकियाँ जोड़ी हुई हैं, नहीं ये सिक्स हैं। मैंने पता नहीं किस तरीके से गिनी है अभी और मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया। तो ये सिक्स टिकियाँ इस तरफ को जुड़ेंगी और सिक्स इस तरफ को जुड़ेंगी, ये है ना। तो चलिए अब इसकी बाउंड्री स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें मैंने किया हुआ है कि बाउंड्री मैंने रेड कलर की लगाई है, जिस कलर की मेरी ये ऊन है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कलर में लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर भी ब्लू ही कलर यूज़ करूँगी ताकि मेरी बाउंड्री जो है वो बहुत सुंदर दिखें। जो बैक साइड का यार्न है आपका, ये वाले जो धागे बचे हुए हैं, इनको आप क्रोशिया से अंदर ही एडजस्ट कर लें ताकि ये ज़्यादा दिखे ना। अब राइट साइड से ही हम स्टार्ट करेंगे और यहीं साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे स्टार्ट करना है। आपने धागा लीजिए और एक चेन लीजिए, पहले ऐसे को इसके बीच में से निकाल लेंगे, तीन चेन। आप अपनी मनपसंद बाउंड्री भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिंपल ही बाउंड्री दी हुई है। तीन चेन लेने, तीन डबल क्रोशिया कर लिए मैंने, एक चेन लूँगी और फिर से इसी में ही तीन बार डालूँगी, वन टू एंड थ्री, इस तरीके से, ये देखिए। अब जैसे हम नीचे से बुनते आ रहे थे वैसे ही हम वन
टू, ये थ्री, अगले वाले में भी वन टू थ्री, ऐसे ही करते जाएंगे। जैसे कोने हैं वहाँ पर लेंगे हम ऐसे को, तीन इधर को एक चेन और तीन इधर को, और थ्री लाइंस ऐसी बना देंगे, जैसे ये वाली मैं बनाना शुरू कर रही हूँ अभी, जैसे हम बुनते आए हुए हैं सेम वैसे ही। ये देखिए हर एक लूप में आपने तीन बार डालते जाना है और थ्री लाइन चारों तरफ से कंप्लीट करनी है हमने इसकी। ये देखिए इस तरीके से, जैसे ये वाइट आई हुई है ना चारों तरफ से, तो अब ब्लू हमारी चारों तरफ से आएगी। ऐसे ही थ्री लाइंस आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए जब आप यहाँ जैसे पहुँचे तो क्या करना है, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है हमारा, तो ये वाला होल जो है यहाँ डालें आप, वन ये टू ये थ्री, यहाँ वाला, फिर ये यहाँ वाला होल आ गया, ये अपने आप ठीक आ जाएगा, दो और ये तीन। ये देखिए ये दोनों होल में मैंने डाले हुए हैं यहाँ और यहाँ। इसी तरीके से यहाँ तक आप तीन लाइन कंप्लीट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बन रहा है, इसी तरीके से आप इसको यहाँ तक ज्वाइन कर लें। ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया, मैंने एक लाइन बुनी हुई है। इसी तरीके से बाउंड्री में आप दो या तीन लाइंस बुन सकते हैं और यहाँ जोड़ते हुए इस वूल को जो है बैक साइड में एडजस्ट करें इस तरीके से, क्योंकि वूल एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बिग प्रोजेक्ट होते हैं और ये इनका खुल जाएँ तो ये ख़राब हो जाएंगे टोटली। तो आप ऊन को ऐसे नॉट बना बना के बैक साइड से इसको अच्छे से ज्वाइन कर लें और इस तरीके से बना लें। तो फ्रेंड्स मेरी बनी हुई है देखो टोटल 36 टिक्कियाँ, तो 6 इस तरीके को हैं ऊपर की तरफ को और 6 इस तरफ को लगी हुई हैं, तो 6 6 36, तो टोटल 36 मेरी टिक्कियाँ हैं। 5 केजी मेरी वूल लगी हुई है, 14 14 इंच की जो है एक एक टिक्की है। तो इस मेजरमेंट को आप ध्यान में रखते हुए अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मुझे होप है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।